हाथी बनाया हुआ है, कितनी डीप नक्काशी की हुई है, और ये सब राजस्थान से हुई है ये सब नक्का। कभी फ्यूचर में अगर चांस मिले तो डेफिनेटली एक बार आइएगा, डजंट मैटर आपका फेथ क्या है, आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। देश में, दुनिया के हर देश में मेरे दोस्त हैं, इट वॉज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस फॉर दैट ऑल्सो। जो मंदिर है जॉर्जिया अटलांटा में 2007 में बना था, लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया 2012 में 2004। अच्छा दोस्तों, मनोज नाथ एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे, दुनिया का ही है ना, दुनिया का सबसे बड़े मंदिर में, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, न्यू जर्सी में। तो अभी हम लोग न्यूयॉर्क में हैं, यहाँ से न्यू जर्सी जाएंगे, मंदिर की विजिट करेंगे। उससे पहले मैं दाढ़ी दुड़ी कटा के आ गया, बाल बुल बना के, एंड जितने पैसे मैं साल भर में खर्च नहीं करता इंडिया में बाल कटाने के लिए, उतने मैं सिर्फ एक टाइम पे खर्च के आ गया हूँ। बट दैट नेसेसिटी तो करना ही है। तो अभी चलते हैं न्यू जर्सी, मंदिर की विजिट करते हैं, फिर और देखते हैं, वहाँ इंडियन कम्युनिटी बहुत है। सो दोस्तों अभी मेरे साथ मिकी है, ये भी हिमाचल से है, बट ये भी जैसे पहले धर्मेंद्र के पास गया था वो भी नहीं बोलता था, ये भी बोलता मैं बोलूँगा कुछ नहीं, बस मेरी वीडियो ले ले अगर लेनी है तेरे को तो, बट बोलूँगा कुछ नहीं। ये भी यूएस में रहता है, न्यूयॉर्क में। तो मेरे लिए हर जगह दरवाजे खोले, न्यूयॉर्क जाऊँ तो ये है, कनेडिकेट जाऊँ तरुण है, अटलांटा जाऊँगा तो धर्मेंद्र है, हार्टफोर्ड जाऊँगा तो शॉन है, हार्टफोर्ड कह रहा हूँ, क्लीवलैंड जाऊँगा तो शॉन है, वेस्ट कोस्ट में भी थोड़े हरियाणवी भाई हैं जो दोस्त यहाँ बने थे घूमते फिरते, तो पूरे मतलब अपने लिए हर जगह रहने की व्यवस्था, हर देश में, दुनिया के हर देश में मेरे दोस्त हैं। इट वॉज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस फॉर दैट ऑल्सो। ये दोस्तों मेरी दूसरी विजिट है न्यू जर्सी की, इससे पहले मैं एक शादी में आया था, शादी की मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो आई बटन पे लिंक होगा, अगर देखनी चाहिए तो आप देख सकते हैं। सो बड़ी मस्त स्टेट है, पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंडियंस यहीं रहते हैं न्यू जर्सी में, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा गुजराती न्यू जर्सी में रहते हैं। देखिए दोस्तों कितना बड़ा मंदिर है और इतना रियली आउटस्टैंडिंग, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन कम्युनिटी के लोग ही आ रहे हैं यहाँ पे या हिंदूज ही आ रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोग जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग भी देखे और गोरे भी देखे, सो लाइक सब लोग आते हैं, और ये एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया, मंदिर के साथ साथ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गया। और सब लोग यही सोच रहे होंगे कि इंडियंस के पास बहुत पैसा है यार, क्योंकि हार्ट ऑफ यूएस में इतना बड़ा टेंपल बनाना मतलब कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आया होगा बनाने में, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट से लैंड ही इतनी महंगी होगी। और ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, एक एक उस पर नक्काशी की हुई है, देखिए हाथी बनाया हुआ है, कितनी डीप नक्काशी की हुई है, और ये सब राजस्थान से हुई है, ये सब नक्काशी राजस्थान से हुई है और बाय एक्सपोर्ट किया गया है यहाँ। मैं कल आर्टिकल पढ़ रहा था इसके बारे में, सो इट्स रियली रियली आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल थिंग है जो कि बनाने वाले ने बनाई है। देखिए नक्काशी आपको दिखाता हूँ, मेरे
ये देखिए किस तरह की ये एकदम एक्यूरेट नक्काशी की हुई है, एकदम मतलब एकदम एक्यूरेट मूर्तियां बनाई हुई हैं। उस पर भी सेम ऊपर ये देखिए, ये तो मतलब कि जैसे पुराने ज़माने में होते थे वैसा ही है। अभी ये सिर्फ आउटर एरिया है, मंदिर तो अंदर है। डू नॉट एंटर, देखिए ये एंट्रेंस है। तो ये दोस्तों मंदिर के अंदर की लॉबी है और वहाँ रेस्टोरेंट है। सो इंफॉर्मेशन सेंटर्स, देखिए अंदर यार क्या चीज़ बनाई है। और ये गुरुजी हैं, यूरोपियन स्टाइल में कैफ़े भी बनाए हैं। मिक्की को भूख लग रही थी तो पहले खाना खाया, मैं बोला मैं मंदिर जाके उसके बाद ही खाऊंगा। मिक्की ने तो आते ही नान और चावलों पे गिरा दिया है, इसको सही में बहुत भूख लगी थी। दोस्तों इतना शांत और सुकून वाली जगह लग रही है, कुछ कहने की बात नहीं। मतलब हल्का हल्का वैदिक चांटिंग चल रही है और लाइक इट्स रियली आउटस्टैंडिंग पीसफुल प्लेस जिसे कह सकते हैं हम लोग। ये दोस्तों हम आ गए हैं मेन मंदिर के एंट्रेंस पे, ये पूरा पीछे मंदिर है। बस ये देखिए ये मंदिर मेन मंदिर प्रेमिसेस है, और ये जिस तरह का राम मंदिर बनने वाला है उसी तरह का मेरे को लग रहा है कि उसी तरह रियली। बट ये यहाँ आके बनाया है, मतलब ये तो वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि क्या। आप आएंगे कभी इधर तो आपको सही में एहसास होगा जो मैं एहसास कर रहा हूँ। सो पीसफुल। कभी फ्यूचर में अगर चांस मिले तो डेफिनेटली एक बार आइएगा। डजंट मैटर आपका फेथ क्या है, आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, बट एक बार ज़रूर आइएगा।
अभी दोस्तों मैं ऊपर मंदिर से दर्शन करके आ गया, वहाँ पे वीडियो और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, बट टू बी ऑनेस्ट मैं वो प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा किस तरह की फीलिंग मुझे आ रही थी। इतना सुकून, शांति, और एक पर्टिकुलर जैसे नॉर्मल मंदिर होता है वैसा मंदिर नहीं है ये। एक साइड भगवान राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी की और सीता माता की फ़ोटो लगी है, लाइक स्टैचू बना है। दूसरे साइड भगवान शिव, गणेश जी और पार्वती जी की स्टैचू लगा है। दो साइड में पूरा एक सर्कल परिक्रमा बनाई है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो गुरु जिन्होंने ये संस्था शुरू की थी कैसे क्या है उसके बारे में वो सब लाइक बताया गया। सो लाइक बड़ा ही आउटस्टैंडिंग, इट्स नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल मंदिर जैसे इंडिया में होता है या कहीं भी और पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होता है। इट्स मोर और लेस लाइक अ कल्चरल सेंटर आल्सो। सो लाइक जो और आप देखेंगे ऊपर जो संगमरमर से जो मार्बल से नक्काशी की गई है, सो प्रिसाइज, एक एक चीज़ जो है एक्यूरेट और मतलब कि आप इंच टेबल के नाप सकते इतनी अच्छी है। सो पता नहीं मैं उसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आपको कभी अगर आप US में या कभी US आना होता है तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। ये अभी भी मतलब कि शुरू तो है पब्लिक के लिए, बट स्टिल बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, बैक साइड पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है इसका, तो मतलब इसे पूरा होने में अभी 2-3 साल और लगेंगे। बट जितना आपको एक समझने के लिए चाहिए उतना काफ़ी है, बना हुआ है। और अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि आप देखिए ये जो है मेन टेम्पल है, और ये जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ सीढ़ियाँ चल गई उसके सामने से मंदिर है एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट वॉज रियली रियली प्राइसलेस व्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। पता नहीं मैं बयान भी कर पा रहा हूँ या नहीं, बट मेरे लिए बहुत ही मोहित और इमोशनल करने वाली जर्नी थी ये। सभी देखते हैं मिकी आया या नहीं, कहाँ है वो, उसको अच्छा खाना मिल गया, वो भी रगड़ रहा है। ये दोस्तों ये इसका मैप है, तो इस तरह का ये एंट्रेंस है, फाउंटेन है, दो फाउंटेन है, द मेन मंदिर है वो। सो 8 में मंदिर जो मेन वाला, म्यूजियम्स हैं, ऑल दैट लाइक दैट्स एंटायर प्रॉपर्टी। ये डिफरेंट जो नॉर्थ अमेरिका में जो मंदिर है, जॉर्जिया, अटलांटा में 2007 में बना था, लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया 2012 में, 2014 में आई थिंक रॉबिन्स विला वाला ये जो है इसकी बात कर रहे हैं, 2014 में बना। ये टोरंटो में 2007, यहाँ मैं जाऊँगा, पक्का जाऊँगा टोरंटो में, इलिनॉइस में 2004 में, टेक्सास में 2004। सो इट्स माई टाइम टू हेड टू कैफे। मैं दर्शन करके आ गया अंदर से, और मिकी मेरा अभी तक इंतज़ार कर रहा, कह रहा आराम से खा रहा हूँ मैं। सो अभी मेरा टाइम है कैफे जाने का, देखता हूँ क्या लेता हूँ मैं खाने के लिए। देखो दोस्तों पार्किंग कितनी बड़ी है, कितनी गाड़ियाँ पार्क लगी है, हमें पहले आते हुए पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। दोस्तों अभी हम इंडियन स्क्वायर में आ गए, जहाँ पे हर जगह इंडियन ही शॉप्स हैं, ऐसे लग रहा है कि हम इंडिया में ही कहीं घूम रहे हैं।
डोसा हट। सर डोसा खाएगा? डोसा आज मोला ले लो भाई। भाई तो बड़ा कोल्ड पैक। और एक भाई एक पान खाया अभी, मुल्ठा पान। इंडियन फ्लैग करी ऑन। दूल्हे दुल्हन की पोशाकें राजभोग कैफे। बीकानेर वाला तो अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट में बिरयानी खा के आया और वन ऑफ द फाइनेस्ट बिरयानी खाई, हैदराबादी दम बिरयानी, रात के लिए भी लेके आ गया हूँ। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ऐसे ही मैं और वीडियो लाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलेंगे।